से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये अधिकतर आपको 10th से लेकर 12th कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये चैप्टर जो है आज एक स्टोरी टाइप में मैं आपको बताऊंगा जिसको बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th से लेकर 12th तक का। देखिए कंपटीशन लेवल में भी इसका बहुत यूज है, तो बहुत आराम से समझिएगा। ये चैप्टर है अस्थाई बंदोबस्त और हरित क्रांति को लेकर। देखिए अस्थाई बंदोबस्त नीति को ही स्मरारी संधि भी बोलते हैं, और सेम इसी तरह हरित क्रांति के साथ इसका क्या रिलेशन था ये आज हम लोग पूरा अच्छा से जानेंगे। देखिए अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसी नीति थी जिसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो थी उसने अस्थायित्व कर दिया था कृषि विभाग को, पूरा कृषि क्षेत्र को, कृषि पद्धति को ही स्थायी बना दिया था। तो इसका शुरुआत होता कैसे वो हम लोग जानते हैं। देखिए होता क्या है कि 18वीं सदी के लगभग बीच में मध्य में होता क्या है कि अंग्रेज को यह आभास हो जाता है कि भारत में जो भी कृषि हो रही है उसमें उसको कोई खास लगान या कोई खास लाभ नहीं हो रहा है, और इसके लिए मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुत यानी कि दिमाग लगाते हैं, बहुत उन लोग चर्चा करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, और इसको सुधारने के लिए, इस नीति को सुधारने के लिए अपने लगान या बोल सकते हैं कि अपने कर टैक्स को सुधारने के लिए, टैक्स के सुधार के लिए वो तीन लोगों की एक पीठ को गठित करते हैं जिसमें सबसे हेड रहते हैं लॉर्ड कार्नवालिस, उनको वो भारत भेजते हैं, और उनके साथ जॉन सोर और जेम्स ग्रांट ये तीन लोग रहते हैं जिन्हें भारत भेजा जाता है। इन्हें भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति को सुधारा जाए। अब स्थायी बंदोबस्त नीति उससे पहले लागू नहीं थी, तो ये लोग को भेजा गया था कि आप लोग कोई ऐसा नीति लागू करो, कोई ऐसा रूल्स बनाओ जिससे क्या हो यहाँ के लोगों को फायदा नहीं हो लेकिन हम लोग को फायदा हो। वो भारत के लोगों को फायदा देने के लिए नहीं आए थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश को फायदा हो, ब्रिटिश को कैसे ज्यादा इनकम हो, और इसी के तहत तीनों में क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में इन तीनों में बहुत सारा मीटिंग्स होता है, बहुत सारे ये लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या किया जाए कि भारत से उन्हें पर्याप्त मात्रा में एक धन प्राप्त हो, पर्याप्त मात्रा में एक राजस्व प्राप्त हो जिससे अंग्रेजी सरकार को फायदा हो। और इसके लिए वे तीन जो लोग थे जिनका नाम था जॉन सोर, फिर जेम्स ग्रांट और एक लॉर्ड कार्नवालिस, तो ये तीन जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ नीतियां तैयार की। उससे पहले बता देता हूँ, देखिए जॉन सोर जो थे वो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये पहले भी कहीं जमींदार थे, ठीक है, और दूसरा जेम्स ग्रांट जो थे ये रिकॉर्ड कीपर थे, मतलब इनका काम था कि कोई भी चीज का रिकॉर्ड तैयार करना, जैसे कितना कितना फसल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना उसका देखभाल करना है, ये सभी को लेकर के। और तीसरा जो लॉर्ड कार्नवालिस थे वो तो गवर्नर थे, तो ये गवर्नर होकर भी इन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलकर के क्या किया, एक नीति तैयार की। इस नीति में उन्होंने तीन मुख्य बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा की, मुख्य तीन बिंदुओं को क्या किया, ज्यादा उजागर किया जिसमें उन्हें हानि हो रही थी। पहला बिंदु जो था कि अगर वो लोग कोई नीति बनाते हैं तो इसका स्वामी वो किसे नियुक्त करेंगे, क्योंकि खेती जब होता है तो खेती में मैन कौन होता है, या तो किसान या फिर जमींदार, तो इन दोनों में किसे वो अपनी नीति के तहत शामिल करेंगे, किसान को देंगे या जमींदार को देंगे, क्योंकि किसान उस समय ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज्यादा उनके पास यानी बोल सकते हैं कि सोचने की क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने इसके लिए जमींदार को चुना और जमींदारों को यह हक दे दिया कि आप जो है स्वामी बन जाइए, ठीक है, आप भू स्वामी बन जाइए। भू स्वामी बन करके मतलब कि आपको एक बड़ा सा क्षेत्र दे दिया जाएगा, उस क्षेत्र मतलब जैसे गांव दे दिया, 10-15 गांव उनको दे दिया और बोला कि आप यहाँ के भू स्वामी बन जाइए और यहाँ पर आप शासन करिए, और इससे जो लगान वसूल होता है या इससे जो भू राजस्व मिलेगा वो आप हमें दीजिएगा, तो ये जमींदारों को मिला। दूसरा जो था सरकार का भाग इसमें कितना रहेगा, जो पैदाइश होगा, जो फसल उपजेगा, जो भी फसल को उपजाया जाएगा उसमें सरकार को कितना भाग मिलेगा। तीसरा था कि जो भी नीति लगाई जाएगी स्थायी बंदोबस्त में ये अस्थायी रूप से चलेगी या अस्थायी, मतलब कि एक पीरियड तक चलेगा कि जैसे 5 साल 2 साल या फिर ये हमेशा के लिए चालू रहेगा। तो इन तीन बिंदुओं पर मुख्य रूप से सोचा गया, इनके द्वारा, जॉन सोर, जेम्स ग्रांट और लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। अब होता क्या, देखिए ये मतलब कि जब इतना मीटिंग होता है तो बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो जमींदार को यह अधिकार दे दिया गया कि ठीक है जमींदार ही क्या करेगा, भू स्वामी रहेगा, वही हम लोग को क्या करेगा, लगान देगा। लेकिन इसमें
जॉन सोर को कोई जॉन सोर ने इसको बताया, ठीक है, जॉन सोर ने इसको क्या किया, सबके सामने प्रस्ताव को रखा और सबने इसको क्या किया, पारित कर दिया। लेकिन जेम्स ग्रांट को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करें जब ब्रिटिश सरकार इसके अधिकार में है, ब्रिटिश सरकार जो है वो इसका पूरा मालिक है, तो हम क्यों जमींदार को स्वामी बनाएंगे, क्यों जमींदार को इसका मालिक अलग से बनाएंगे, हम क्यों नहीं उसी पर अधिपति कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोगों क्या होगा, डायरेक्ट किसान से हम लोग ले लेंगे। लेकिन जॉन सोर का कहना था कि देखिए अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग को हर किसान के पास जाना पड़ेगा और हर किसान के पास जाने का फुर्सत तो सबको मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उन्हीं के बीच में हेड बने और वो बस उनसे लगान दे। तो वो व्यक्ति कौन होगा, जो ज्यादा अमीर, जो ज्यादा ताकतवर होगा और जिसके पास ज्यादा क्या होगा, धन होगा, तो वो कौन था, जमींदार था। अब देखिए ये तो पहला सिचुएशन हो गया कि इसमें क्या किया गया कि जॉन सोर की बातों को माना गया और जेम्स ग्रांट की बातों को नकार दिया गया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसका समर्थन कर दिया, जॉन सोर का, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के भी पिता जो थे वो भी क्या थे, जमींदार थे, तो उनको भी पता था कि जमींदारी किस तरह किया जाता है और जॉन सोर जो थे वो पहले से ही जो थे आपका ब्रिटिश ब्रिटेन में उसका अपना एक बोल सकते हैं क्षेत्र था जहां पर वो जमींदार रह चुके थे, तो उनको ज्यादा आइडिया था, तो इसका वो पूरा फायदा उठाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सरकार का भाग्य। देखिए अब यहाँ पर फिर मीटिंग होता है इन तीनों के बीच में कि सरकार को कितना क्या मिलेगा, सरकार जो जमींदारी करेगी, जमींदार जो काम करेगा उसमें सरकार को क्या फायदा है, कितना मिलेगा, कितना भाग उनको नसीब होगा। तो जॉन सोर में एक विधि आता है, जॉन सोर का कहना था कि देखिए हम लोग जो है इसको एक नए तरीका से लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जेम्स ग्रांट उनको फिर रोकते हैं और रोक के वो कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है इस प्रथा को 1765 जो हुआ था इलाहाबाद की संधि उसके आधार पे काम करेंगे, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, राजस्व वसूल करेंगे। लेकिन जॉन सोर जो थे, अच्छा ये 1765 क्या है ये बताते हैं, देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध होने के बाद एक समझौता हुआ था, ठीक है, ये समझौता हुआ था मुगल साम्राज्य और आपका जाकर के ब्रिटिश के तहत, जिसमें बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो बोल सकते हैं राजस्व वसूली थी वो पूरा तरह से, या दीवानी जो थी वो पूरा तरह से किसको मिल गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गई थी, मुगल को, मुगलों के द्वारा दे दिया गया था कि तुम ही संभालो, तुमको ही करना, क्योंकि वो हार चुके थे, ठीक है, आलम द्वितीय जो थे बहादुर शाह आलम द्वितीय वो हार चुके थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपना जितना भी कंट्रोल था वो किस हाथ में दिया था, ब्रिटिश के हाथ में, कौन को नहीं दिया गया था, बंगाल बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र। तो अब क्या होता है कि 1765 में वो लागू करना चाह रहे थे कौन, जेम्स ग्रांट, लेकिन जॉन सोर का कहना था कि देखिए जब उस समय हम लोग जीते थे तो उस समय हमारे पास पर्याप्त रूप से सभी प्रकार के हो सकते दस्तावेज नहीं थे, तो हमें पता किसे चलेगा कि किनसे कितना लगान लेना है, तो इस बात में ज्यादा विवाद होता है और इस चीज को हल के तहत बोला जाता है कि तब एक काम करते हैं हम लोग 1790 से 1791 का जो हुआ था बोल सकते राजस्व वसूली उसको आधार मानते हैं, यानी 1765 वाला जो राजस्व वसूली का सिद्धांत था उसको हटा दिया गया, उसको नकार दिया गया, जिसने जिसे जेम्स ग्रांट ने प्रस्तावित किया था उसे हटा दिया गया और जॉन सोर के जो नियम थे 1790 और 1791 का जो राजस्व वसूली हुआ था, जो टैक्स दिया गया था उसी को आधार मान करके क्या किया गया, टैक्स को वसूलना शुरू किया गया। और इस चीज को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने भी ओके कर दिया कि हाँ ये सही है, ये हम लोग सही कर रहे हैं, यही होना चाहिए, और इसको लागू कर दिया गया। तीसरा था इसे अस्थाई रखना है या अस्थाई करना है, मतलब ये जो टैक्स वसूली रहेगा ये हमेशा के लिए रहेगा या कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए, मान लीजिए 2-5 साल के लिए रहेगा। तो इसमें देखिए जॉन सोर का कहना था कि इसको हम लोग पहले ट्रायल लेते हैं 10 साल की, और 10 साल तक क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रायल लेंगे 10 साल के बाद, इसके बाद हम इसको स्थायी करने के बारे में सोचेंगे अगर ये सक्सेसफुल हुआ। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस चूंकि वो गवर्नर थे तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही करना था तो पहले हम लोग इतना क्यों माथा पीछे किए, फिर से तो 2 साल में जैसा 2 साल वाला था सिस्टम वही रह जाएगा, फिर से सब कुछ वही हो जाएगा, तो हम लोग को फायदा कहां से होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि इसको एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद फिर बदल दिया जाए और हमेशा के लिए स्थायी किया जाए। तो जॉन सोर थे उन्होंने कहा ठीक है तो इसको एक काम करिए आप, हम लोग क्या करते हैं 3 वर्ष के लिए ट्रायल करते हैं, और 3 वर्ष के ट्रायल में इसको क्या किया गया 1790, ठीक है 1790 से 1793 तक इसको लागू किया गया, ठीक है 1790 से 1793 तक इसको लागू किया गया, इसको अस्थाई बंदोबस्त नीति को, मतलब वो उस समय अस्थाई थी, ठीक है उस समय अस्थाई रूप में 1790 से 1793 में एक ट्रायल पीरियड चलाया गया और 1793 के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको अस्थाई बना दिया, मतलब 22 मार्च 1793 को यह क्या हुआ, पूरी तरह अस्थाई हो गया।
ठीक है, यह नीति जो थी पूरी तरह अस्थाई हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अस्थाई बंदोबस्त नीति। अब देखिए इस नीति में क्या हुआ कि ये उन क्षेत्रों में ज्यादा लागू था जहाँ पर ज्यादा मात्रा में खेती होता था, ज्यादा मात्रा में खेती होता था। और भारत में ज्यादा मात्रा में खेती कहाँ होता है, आपका आंध्र प्रदेश होगा, फिर आपका केरल होगा, फिर आपका जाकर के वेस्ट बंगाल होगा, फिर उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र होगा। तो यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नदी, बोल सकते हैं दोआब नदियां बहती है, वहां पर इसका खेती ज्यादा होता है। तो 19% क्षेत्र जो थे वही क्षेत्रों में इसको ज्यादा प्रभावित किया गया, क्योंकि यहाँ से भू राजस्व, यहाँ से फसलों और टैक्स को बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सकता था। और इस चीज के तहत ठीक है क्या किया गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में अंग्रेजों को शुरुआत में फायदा हुआ। लेकिन देखिए कुछ दिन बाद, ठीक है कुछ दिन बाद इसको मतलब अंग्रेजों को थोड़ा दिक्कत होने लगा, क्योंकि इसको पर्याप्त रूप में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा इसमें दो और पॉइंट्स हैं, इसकी कुछ परंपराएं भी विकसित हो गई, ठीक है परंपराएं क्या थी वो भी जानना आपको जरूरी है। परंपराएं थी, एक परंपरा थी सूर्यास्त परंपरा। सूर्यास्त परंपरा क्या था, सूर्यास्त नियम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया कि देखिए जब आप लगान वसूल करेंगे ना, तो उस लगान को एक डेट तक ही जमा करना है, ये नहीं कि जब मन किया तब आप जमा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 2 तारीख का डेट दिया गया कि 2 जनवरी को आपको लगान जमा करना है या महीने के अंत में जमा करना है, तो आप उसी समय क्या करिएगा, लगान को जमा करिएगा। मतलब सूर्यास्त होने के पहले, सूर्यास्त के बाद आपका लगान नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर कि कोई जो जमींदार है वो भू राजस्व इकट्ठा करता है और उसको जो है लास्ट महीना में या फिर बोल सकते कोई एक निश्चित डेट में जमा करना है, तो वो कब तक जमा कर सकता है, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ हो। सूर्यास्त के बाद वो धन नहीं लिया जाता था, वो पैसे नहीं लिए जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जमींदारों को अपनी जमींदारी खोनी पड़ सकती थी, ये डर रहता था, क्योंकि बहुत सारे जमींदार को क्या करना पड़ता था, लगातार स्ट्रगल करना पड़ता था, उनके पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं होते थे, तो वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, तो उसमें समय लगता था ना। और इसी से बचने के लिए एक और नई नीति लागू कर दी गई जिसका नाम था दुर्वती जमींदारी योजना, दुर्वती जमींदारी प्रथा भी बोल सकते हैं। अब दुर्वती जमींदारी प्रथा क्या थी कि अगर मान लीजिए कोई जमींदार के पास जमीन है, उसके पास फसल हो गया, टैक्स सब कुछ है, तो उसको वो कैसे पहुंचाएगा, उसके पास देर हो गया, टाइम नहीं बचा, तो उसको पहुंचाने से बचने के लिए क्या करता था, जितना भी उसके पास होता था ना, जितना भी धन होता था या जितना भी फसल होता था, उसको वो क्या करते थे, वो कोई बड़े साहूकार जो शहरों में रहते थे या कोई बड़े लोग जो बहुत ज्यादा अमीर होते थे, उनको वो बेच देते थे, और उनसे जो धन होता था उसको राजस्व के रूप में ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता था। इसमें देखिए क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ शुरू में। अच्छा इससे ब्रिटिश साम्राज्य क्या हुई कि थोड़ा भ्रष्टाचार में डूब गया, क्योंकि जमींदार सब थोड़ा पावरफुल हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो उसको जमीन दे चुकी थी ना कि भाई ये जमीन तुम्हारा है, अब तुम इसका जो करो, जैसा करो, जो करना है हमको नहीं पता, तुम अपना मामा को दो, चाचा को दो, नाना को दो, अपना ससुर को दो, अपना क्या बोल सकते हैं भगना को दो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमको मेरा टैक्स मिल जाना चाहिए। तो इससे जमींदार वर्ग क्या हुआ कि बहुत ताकतवर हो गया। अब जो गरीब किसान थे वो तो लगातार इसमें नीचे चल गया था ना, वो तो मर रहे थे, क्योंकि उनका जमीन अब कौन हड़प चुका था, जमींदार हड़प चुका था, उनका पूरा पावर जमींदार के पास था। इसीलिए किसान अब अपना माय बाप किसको मान रहे थे, जमींदार को मान रहे थे, वो जमींदार को अपना अन्नदाता सब कुछ मान चुके थे। और जमींदारों ने क्या किया, इसका बहुत गलत फायदा उठाया, वो लगातार किसानों को फ्री में खटाते रहे, लगातार किसानों का दोहन करते रहे, उनका शोषण करते रहे, उन्हें प्रताड़ित करते रहे। किसी भी तरह का फंक्शन अगर जमींदार के घर में होता था ना, तो किसानों को जबरन फ्री में खटवाया जाता था, उनसे फल सब्जी जो होते थे फ्री में ले लिया जाता था। और इस तरह किसानों की क्या होने लगी, बहुत ज्यादा मात्रा में तुष्टिकरण होने लगा, किसान लगातार मरने लगे, किसान गरीबी की बोझ में दबने लगे, क्योंकि किसान के द्वारा जो धान या जो फसल उपजाया जाता था ना, उसका 10% भाग, मतलब 10/11% भाग जो था वो ब्रिटिश ने मांग लिया था कि 10/11% आप हमको देंगे और 1/11% आप खुद रखेंगे। तो इस प्रथा के तहत मान लीजिए, समझ लीजिए 10/11%, मतलब अगर 11 किलो धान हुआ है या 11 किलो गेहूं हुआ है, तो उसका 10वां भाग किसके पास जाएगा, उसका 10वां भाग जाएगा सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार के पास। ये जॉन कार्लवाली से ने इस नियम को बनाया था। और एक भाग जो है, ठीक है 1/11 भाग जो था वो किसके पास जाएगा सीधा सीधा, वो जाएगा जमींदार के पास। तो किसान के पास क्या बचा, किसान तो अब जमींदारों के रहमो करम पे हो गए थे ना, वो क्या कर रहे थे किसान सब, किसान सब लगातार अपना अन्नदाता, अपना स्वामी, अपना जो भी था सब कुछ
किसको मान चुके थे? जमींदार को मान चुके थे, और जमींदार इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। अगर किसानों में कोई भी प्रकार का मतभेद होता था, कोई काम होता था या कुछ भी उनको दरकार होता था, तो वो किसके पास जाते थे? जमींदार के पास। और जमींदार इसके लिए बहुत ज्यादा वसूली करते थे। मान लीजिए आज भी पंचायत बैठता तो देखते नहीं पंचों को कुछ मुआवजा देना पड़ता है। उस समय भी ये प्रथा थी, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को लूटा जा रहा था। गरीब किसान को उनकी मरनी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था उनको। और इसी सब के कारण, ठीक है, इसी सब के कारण किसान को इस बंदोबस्त में, इस अस्थाई बंदोबस्त में सबसे ज्यादा घाटा हुआ। देखिए, इस अस्थाई बंदोबस्त में शुरुआत में अंग्रेजों को तो बहुत फायदा हुआ था, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, एक समय के बाद इसमें जमींदारों को फायदा होने लगा। जमींदार अब ज्यादा अमीर होने लगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जमींदारों को पूरा आइडिया लग चुका था कि किस तरह से इस नीति को बदलना है। तो वो क्या कर रहे थे कि लगान जो मिलता था वो अधिकतर अपने पास रख लेते थे, और बाकी कुछ बचा हुआ हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, गुस्सा करके उस जमीन को ही नीलाम करना शुरू कर दिया कि नहीं हो रहा कितने, चलो बेचो। अब मान लीजिए गाड़ी खरीदे, अगर गाड़ी मेरा कमाई नहीं हो क्या करेंगे, लास्ट में गाड़ी को बेचना पड़ेगा ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस जमीनों को क्या किया, बेचना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने जब उस जमीन को बेचना शुरू कर दिया तो उसको खरीदने वाला कौन था, उसको खरीदने वाला किसान नहीं, उसको खरीदने वाला जमींदार कुछ था। तो जमींदारों ने क्या किया, अपने माँ के नाम पे, अपने पत्नी के नाम पे, अपने बेटी के नाम पे वो जमीन को खरीदना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अंग्रेज भी थे क्या, वो जमींदारों के ऊपर आधारित हो गए थे। अंग्रेज भी जान रहे थे कि अरे इससे जमींदार ही वो व्यक्ति है जिससे हमें क्या होगा, अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है, नहीं तो और कोई देने वाला नहीं है। तो जमींदार लोग के ऊपर वो भी क्या हुए थे, आश्रित हो गए थे। और लगातार जमींदार जो थे, जमींदार वर्ग जो था, वो ब्रिटिश को कभी ना कभी कुछ ना कुछ घूस दे देते थे। जैसा भी बताया ना कि सूर्यास्त जो नियम था या सूर्यास्त योजना जो था, उसके तहत क्या होता था कि समय पर अगर सामान नहीं पहुंचता था या समय पर राजस्व नहीं दिया जाता था, तो उसके बदले वो लोग क्या करते थे, पैसे दे देते थे। तो वो लोग के साथ जो था ब्रिटिश साम्राज्य के कोई गवर्नर या कोई ऑफिसर के साथ जमींदारों का अच्छा लेन देन हो गया। तो ब्रिटिश को भी जब भी कोई चीज का जरूरत पड़ता था वो किसको बोलते थे, जमींदार। और जमींदार इसमें पूरा फायदा उठा रहे थे ब्रिटिश का भी। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जब 1857 में विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, तो ब्रिटिश का पूरा योगदान, पूरा जो ये था बोल सकते हैं पूरा तरह से समर्थन किया था जमींदारों ने, किसका, ब्रिटिश का। क्योंकि वो लोग तो किसान की तरफ नहीं जाएंगे ना, क्रांतिकारी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो क्रांतिकारी की तरफ जाएंगे और भारत आजाद हो जाए या ब्रिटिश यहां से भाग जाए, तो इसमें हानि किसका होने लगेगा, जमींदारों को होने लगेगा। फिर अंग्रेज किसान जो गरीब किसान है वो अंग्रेजों से तो अपना अधिकार मांग ही रहते हैं, अब किससे मांगेंगे, जमींदारों से मांगेंगे। और जमींदार अपना जो ठाट भाट से रहता था वो उसका प्रथा खत्म हो जाएगा। इसीलिए अधिकतर जमींदारों ने क्या किया, अधिकतर जमींदारों ने 1857 का विद्रोह में किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। हाँ, कुछ जमींदार थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का भी साथ दिया था, लेकिन वो वैसे जमींदार थे जिन्हें क्या किया गया था, जिन्हें निकाल दिया गया था, जमींदारी प्रथा छीन ली गई थी जिनकी अंग्रेजों द्वारा, वो इसमें गुस्सा के शामिल हो गए थे। क्योंकि वो हो सके कि अपना राजस्व नहीं जमा कर पाए हो, तो अंग्रेज सरकार ने उससे क्या किया, जबरदस्ती उनका जायदाद को छीन करके दूसरा जमींदार को दे दिया। तो ऐसे जमींदार उनके साथ मिले थे, क्रांतिकारियों के साथ, जिनकी जमीन को छीन लिया गया था। और देखिए, ये जो पूरा प्रथा जो था ना, ये लगभग 160 साल तक भारत में चला, और 160 साल में पूरा किसान वर्ग का कमर तोड़ दिया था इसने। पूरा किसान वर्ग जो था त्राहिमाम मचा हुआ था, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जमींदार इसमें बहुत ज्यादा अमीर हो गए। और अमीर होने के कारण उन्होंने क्या किया, वे गांव को छोड़कर शहरों में बस गए, और वहां जाके अपने बड़ी बड़ी कोठियां बनाने लगे और वहां बस गए। और उनके जो बाल बच्चे होते थे या उनके जो बेटा बेटी होते थे, उनको क्या करने लगे, विदेश पढ़ने भेजने लगे, जहां ब्रिटिश के लोग पढ़ते थे, जहां ब्रिटिश के बच्चे पढ़ते थे वहां पढ़ने लगे, और वो वापस आकर के क्या करते थे, फिर ब्रिटिश की नौकरी करते थे। जमींदारी प्रथा, क्योंकि ये उत्तराधिकारी का सिस्टम था ना, मतलब ये नहीं कि आप जमींदार हम है तो मेरा कोई और दूसरा कोई मिल जाएगा, नहीं, हम जमींदार है तो मेरा बेटा या मेरा बेटी जो है इसका आने वाला टाइम में जमींदार बन सकता है। तो इस तरह नियम था। तो वो लोग को बाहर पढ़ने भेजने लगे जमींदार सब, और उनका बाल बच्चा जो पढ़ लिख के आता था, शिक्षित होकर आता था, उन्हें जमींदारी में लगा दिया जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से जमींदारी स्वामी जो था वो एक तरह से क्या हो गया, चाटुकार वाला सिस्टम हो गया, कि जमींदार जो था वो चाटुकार के रूप में अब अंग्रेज का क्या होने लगे, तलवा चाटने लगे, उनका सेवा करने लगे, उनको हर तरह की जानकारी देने लगे, क्योंकि उनको फायदा था। ठीक है, आप कोई भी देखिए, कोई दुकान जाइएगा तो वहाँ क्या होता, थोड़ा प्यार से बात किया जाता है ना, बाबू ही ले लो ना, ले लो ना, क्यों करता, ताकि आप उसका दुकान में रेगुलर आते रहे। तो ये चीज क्या करता, जमींदार सब इस तरह से अंग्रेजों के साथ मिल घुल गए थे कि अंग्रेज सोचते थे कि ये मेरा क्या है, नौकर है। और जबकि जमींदार जो था वो उसको उल्टा लूट रहा था, वो उसको पता नहीं था।
अब देखिए ये 160 साल चलने के बाद होता क्या है, जब भारत आजाद होता है, भारत आजाद होने के 7 साल बाद भी ये काम चल ही रहा था, 7 साल बाद तक भी ये जमींदारी प्रथा जो चल ही रही थी, 1954 तक ये धरा एकदम धराधर चल, और 1954 के बाद, ठीक है, 1954 के बाद ये जो हुआ जमींदारी प्रथा था उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म जैसे ही किया गया तो जितने किसान थे उनको उनका अधिकार दे दिया गया कि ठीक है भाई अपना अपना तुम लोग जमीन जिसका इसका है ले लो, और तुम लोगों को मुक्त कर दिया जाता है। इसके बदले सरकार जो थी जमींदारों को कुछ पैसे दे रही थी, और उस पैसे के तहत क्या किया, सभी जमींदारों को उसकी प्रथाओं से मुक्त किया गया, जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई, और सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी जितने जमींदार थे उनसे जमीनों को लेकर के गरीब किसानों में बांटा, और जमींदारों को कुछ उसके बदले में कुछ एवज में पैसे दे दिए। अच्छा यहाँ तक तो था, अब आता है हरित क्रांति के बारे, मतलब क्या कि जमींदार तो खत्म हो गया, अब खेती किसके हाथ में था, किसान के हाथ में था, लेकिन किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में इतना आय नहीं था या इतना सोर्स नहीं था कि वो एक अच्छा खेती कर सकते थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय 75% भाग कृषि होता था भारत में, निर्भर थे 75% लोग भारत में कृषि पर निर्भर थे, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त सुविधा उच्च किस्म के बीज या अच्छे वर्ग की बीज या पोषक तत्व मृदा को तैयार करने वाले उर्वरक की कमी थी, जिसके कारण क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर 10-15 साल तक बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, किसानों को हानि होने लगा, और सरकार इस पर नजर रखी हुई थी, और इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत इसी चीज को सुधारने के लिए सरकार ने 1760 में एक क्रांति को, देखिए क्रांति क्या होता है, क्रांति मतलब होता है जिसे जन आंदोलन, जिसे बहुत जल्दी यानी लोगों के द्वारा क्या बोल सकते हैं, मतलब कि हल्ला बोल करके लागू किया जाता है, तो एक क्रांति के तहत सरकार ने क्या किया, इस पर काम किया, और इस क्रांति का नाम था हरित क्रांति। हरित मीन्स क्या होता है, हरा भरा, तो हरा क्रांति वो क्रांति होता है जिसमें हरियाली फैलाने के लिए सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए, जिसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 1960 से 1970 में एक क्रांति को चलाया गया। इस क्रांति के तहत क्या हुआ कि HYV, देखिए नाम याद रखिएगा, HYV इसका फुल फॉर्म होता है हाई येल्डिंग वेराइटी। इस किस्म के बीजों को क्या किया गया, किसानों तक पहुंचाया गया, किसानों को दिया गया कि आप इसकी खेती करो, और उर्वरक दिए गए, रसायन दिए गए कि इसके द्वारा क्या करेगा, फसल जो होंगे वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और इस HYV के द्वारा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में गेहूं का उत्पादन क्षमता बढ़ गया, क्योंकि पहले जो भारत व्यापार करता था वो अमेरिका से खाने का सामान ज्यादा लेता था, ज्यादातर सामान जो था वो अमेरिका से लाया जाता था, लेकिन जब HYV बीज को या रसायन का उपयोग किया गया तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा मात्रा में भारत किसान को हेल्प किया, लेकिन ये भी एक क्या हुआ, एक दो तरफा हो गया, यहाँ पर उन्हीं किसानों को फायदा हो रहा था जिसकी जमीन जो थी वो गेहूं उपजाने में सक्षम थी, बाकी फसलों पर ये उतना कारगर नहीं हो रहा था। तो ये कहाँ पर ज्यादा हुआ, ये पंजाब में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, इन क्षेत्रों में ये ज्यादा असरदार हुआ, बाकी क्षेत्र में उतना अच्छा से नहीं पहुंच पाया, और इसके लिए बहुत सारे, देखिए जो बड़े किसान होते थे इसको आराम से खरीद लेते थे क्योंकि उनके पास पैसे होते थे, लेकिन जो छोटे किसान होते थे उनके पास पैसे नहीं, भाई वो लेंगे कहां से, बीज का दाम थोड़ा ज्यादा था, उर्वरक रसायन और तरह तरह का मशीन ये सब लेना था, अत्याधुनिक मशीनों का जरूरत था, और वो पुराने जमाने में जो बैलगाड़ी का सिस्टम था वो देखिए अभी भी बहुत जगह चल रहा होगा, तो उसी सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो पैदावार कम हो रहा था, और पैदावार को सुधारने के लिए फिर से 10 साल बाद यानी कि 1960 से 1970 के बाद, फिर 1970 से 1980 के बाद और एक हरित क्रांति के योजना को शुरू किया गया। इस योजना में जितने भी बैंक थे सरकार ने उन्हें क्या किया, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप गरीब किसानों को पैसे दीजिए, उन्हें कर्ज में पैसे दीजिए ताकि वो उच्च किस्म के बीज ले सके, उच्च किस्म के रसायन ले सके, अच्छे उर्वरक ले सके, जिससे क्या हो, जिससे वो उनकी पैदावार बढ़े, वो फसल को अच्छी तरह उपजाए, और इसके तहत फिर क्या हुआ कि बड़े किसान फिर इसमें आ गया, उन्होंने भी बहुत अधिक मात्रा में लिया। हाँ इस बार थोड़ा सा क्या हुआ कि अन्य क्षेत्रों में जाकर के क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे किसानों ने भी इसमें लिया, लेकिन पर्याप्त रूप में ये सबके पास नहीं पहुंच पाया। तो इस तरह से ये जो था ये बोल सकते हैं कि सफल नहीं था उतना जितना होना चाहिए था, और इसका सफल नहीं होने के कारण क्या हुआ कि इसको बाद में बंद कर दिया गया। और देखिए और एक इसमें चीज क्या हुआ कि छोटे किसानों को इसमें ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़े किसान आराम से बीज खरीद लेते थे, आराम से उन्हें बैंक लोन दे देते थे, लेकिन गरीब किसान अनपढ़ थे, उतने ज्यादा वो लोग क्या थे, सक्षम नहीं थे। तो हरित क्रांति में
क्या होगा, हरित क्रांति में हुआ ये कि इसका पूरा ज्यादा फायदा किसको मिला, इसका ज्यादा फायदा मिला बड़े किसानों, बड़े व्यापारियों और जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें मिला। छोटे किसानों को फायदा मिला लेकिन उतना नहीं मिला और छोटे राज्यों में ये नहीं जा पाया, जिस तरह झारखंड के कुछ क्षेत्र थे वहां नहीं पहुंचा, बहुत ऐसे क्षेत्र है भारत के जहां पर ये क्रांति असरदार नहीं थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या जाना कि किस तरह भारत में अस्थाई बंदोबस्त नीति हुआ और हरित क्रांति किस तरह से लागू हुआ। हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की।